अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यागरा में, वैलेंड में, और अभी हम आए नाश्ता करने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। मेरे वेबसाइट पे है विलेज व्यू रेस्टोरेंट, प्योर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। या बुफे भी होता है, ब्रेकफास्ट भी आला कार्ट भी है, आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। किस तरीके से है सारा, बहुत अच्छा एरिया है यहाँ पे, पूरा कमर्शियल है। और तो आइए हम चलते हैं विलेज के लिए। रेस्टोरेंट है, कैश काउंटर। इनका पाकिस्तानी स्टाइल जो ना, वही अपना देसी वाला स्टाइल है। और यहाँ पे मिल रही है गरम चाय, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम मेरा भाई। अच्छा, ये बुफे है, आप उसे लगता है दोपहर में लंच के टाइम पे आप कुछ भी ले सकते हैं। स्वीट से शुरू करें तो गुलाब जामुन, चम, रस मलाई, उम्मे अली, फिर यह सैलड आ गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे बिरयानी, हलीम, प्लेन राइस, चिकन, और ये बीफ, मटन, चना, समोसा, एवरीथिंग इज देयर। यहाँ सब लिखा है क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या मिलेगा। और इन्होंने जो खास बात है, उन्होंने जो अपनी पाकिस्तानी सकाफत है उसको इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है चीज़ों को। और यहाँ पे जो ये देखिए, यहाँ पे ख़ास बात यह है कि गोरे भी आते हैं, और गाजर का हलवा भी है। वाह भाई वाह, चीज कबाब, चिकन, पाकिस्तानी सकाफत इन्होंने छोड़ी नहीं है। हर चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है, बस एक पाकोला की कमी है, पाकोला नहीं है, बाकी हर चीज़ है। आप यहाँ पे ओनर है, बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। क्या नाम है आपका? फजल भाई हैं। कहाँ से ताल्लुक है आपका? गुजरात, पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तानी सकाफत जो है वो फजल भाई ने यहाँ पे रखी हुई है। और कितने टाइम हो गया यहाँ पे इस रेस्टोरेंट को? 3 महीने हुए हैं, माशाल्लाह। देखिए, और माशाल्लाह पब्लिक जो है वो आ रही है, और पाकिस्तानी सकाफत को लोग सराहते भी हैं, देखते भी हैं। और पाकिस्तानी खाना जो है चटपटा होता है। तो आपने यहाँ पे मतलब क्या पहले से यहाँ पर हैं, या कोई और बिजनेस भी है, या यही रेस्टोरेंट? हाँ हाँ, यू मे कैरी ऑन प्लीज। हम क्योंकि कैश काउंटर है, और फजल भाई जो है कैश काउंटर पे है। और ये देखें यहाँ पे जो गुजरात में और लाहौर में ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो वो इस तरह का हंडी में कुछ रखा है, ऐसे ही खाली मटकी खाली है। रेस्टोरेंट क्योंकि अभी टाइम है कुछ 12:30, तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, इसलिए ज़्यादा रश नहीं है। लेकिन ये है कि शाम के टाइम काफ़ी रश होता है और लोग आते हैं। तो हम ज़रा अभी ऑर्डर कर रहे हैं खाना, तो फिर साथ साथ हम सर्व भी कर रहे हैं। ये है ज़ुबैर भाई, ज़ुबैर मोटन, मुबशिर मोटन, तैयबा मोटन, ये मेरी सिस्टर है। और अब यहाँ पे है मैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे तकरीबन 15-16 दिन गुजर चुके हैं। और हॉस्पिटैलिटी तो आपको पता है कि जब
पाकिस्तानी कहीं बाहर जाता है और कहीं रिहाइश पजीर होता है और फिर वो तड़प होती है कि कोई अपना रिश्तेदार आए, तो भाई आया है तो चहिता सबसे पहले तो भाई होता है, तो भाई की खातिर तवाज़ा बहन कर रही है और बहन के लिए जो है ना वो बहनोई भी कर रहा है, तो जहर सी बात है क्योंकि यहाँ पे इतनी दूर जो है हर किसी के आने की बस की बात नहीं है। पाकिस्तानी हो गया, इंडियन हो गया, अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए तरसते हैं, फिर साल में दो साल में कहीं अपने घर जाते हैं लोग, तो उसके हिसाब से जो है वो फिर मुलाकातें होती हैं। तो बहरहाल अभी खाना ऑर्डर किया है, मतलब नाश्ता ऑर्डर किया है जी दोस्तों। ये आ गए चना, ये आ गए हलवा, पूरी, अचार, रायता। अभी एक अभी पाए बाकी है मेरे दोस्तों, पाए आ जाए तो फिर ज़बरदस्त काम हो जाएगा।